हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है छठ का पावन दिन, तो मिलकर मनाओ प्यारा त्योहार। आज करो सूर्य देव की पूजा, आया है भगवान सूरज का रथ। आज है मनभावन सुनहरी छठ, आप सभी को मिले सुख संपत्ति अपार। आप सभी को मेरी ओर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये ब्लॉग आप फ्राइडे के दिन देखोगे, तो बस आज छठी मैया का लास्ट दिन है, तो मेरी ओर से आप सभी बधाइयां स्वीकार कीजिए। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में छोटे मोटे काम फिनिश करने के बाद। तो आज मैं आपको एक हेयर स्पा की रेसिपी बताती हूँ। तो यहाँ मेरे घर में एक केला पड़ा था जो काफ़ी पक चुका था, तो सोचा उसको क्यों ना यूज़ किया जाए। तो यहाँ मैंने एक मिक्सी जार में एक केला ले लिया है और यहाँ मैंने एक चम्मच उसमें मेयोनीज ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद में मैंने यहाँ हाफ कप दही लिया है। आप कोई भी दही ले सकते हो, खट्टा होगा तो भी चलेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ ऐड किया है तकरीबन एक चम्मच कोकोनट ऑयल। और यहाँ आप कोकोनट ऑयल के साथ में एलोवेरा जेल, मेथी पाउडर, कुछ भी आप जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पहले मैं इन तीनों को अच्छे से मिक्सी में ब्लेंड कर दूंगी। और उसके बाद यहाँ मैंने एक चम्मच शहद लिया है जिसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और बस इस पेस्ट को मैं अपने बालों में पार्टीशन करके अप्लाई कर दूंगी। तो देखिए गाइस, हम लेडीज़ हाउसवाइफ कहीं बाहर पार्लर टाइम टू टाइम विजिट नहीं कर पाती हैं, और अब क्लाइमेट भी ऐसा हो चुका है कि हमें अपने बालों की केयर करनी ही पड़ती है। और वैसे भी मैं अपने बालों की अच्छे से केयर नहीं कर पाती हूँ, तो सोचा क्यों ना घर की चीज़ों से ही बनी, घर पे ही सब चीज़ें अवेलेबल है, तो वही लगा करके मैं कुछ करूं। और मेरे बालों में फ्रिजीनेस बहुत ज़्यादा है, तो बस यहाँ मैं उस पेस्ट को अप्लाई कर रही हूँ। और ये पेस्ट हर कोई लगा सकता है, और एटलीस्ट इसमें केमिकल तो नहीं है, ये बिल्कुल केमिकल फ्री है, घर की ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ ये सारे बालों में अप्लाई कर देने के बाद यहाँ मैं इस पेस्ट को तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, तब तक बाकी सारे काम ख़त्म कर लूँगी। और यहाँ देखिए मैं नहा के आ चुकी हूँ, तो मैं आपको अपने बाल बता रही हूँ। तो यहाँ आप वॉश कर लेने के बाद में अगर आप चाहो तो स्ट्रेटनिंग मशीन लेकर आप बालों को स्ट्रेट कर सकते हो। मैं आपको पीछे से भी मेरे अपने बालों को दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। बस मुझे इसका रिजल्ट काफी अच्छा लगा, आप भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ स्ट्रेटनिंग मशीन यूज नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बालों को बिल्कुल भी कोई भी मशीन नहीं लगाती हूँ, बस ऐसे ही नेचुरल वे से सूखने दूंगी। तो अब शाम हो चुकी है, तो बस यहाँ मैं कुछ एक मिर्चे ले आई थी, तो सोचा आपके साथ आज मैं एक नई रेसिपी शेयर करती हूँ। आज हम बनाएंगे मिर्ची के टिपोरे। तो बस यहाँ तकरीबन 200-250 ग्राम मिर्ची है, उसे बस मैं यहाँ काट करके रेडी कर दूंगी।
और इसे ना ज़्यादा बारीक काटना है ना ज़्यादा मोटा काटना है। तो मैं आ गई हूँ अब किचन में शाम के डिनर की तैयारी करने के लिए। साथ में आज मैं मिर्ची के टपोरों के साथ में सिंपल वाला दाल चावल बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने दाल को धो दिया है। दाल मैंने यहाँ मसूर की दाल ली है। तो मैं मसूर की दाल किस तरह से बनाती हूँ वो मैं आपको आज बताती हूँ। तो बस मैंने यहाँ कुकर गैस पे लगा दिया है और उसके पहले ही मैंने एक ऑनियन, एक टमाटर और कुछ एक नीम के पत्ते, मीठे नीम के पत्ते और 3 से 4 हरी मिर्च और कद्दूकस किया हुआ अदरक लिया है। तो यहाँ बस कुकर में मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच तेल मिला दूंगी और तेल के गर्म होते ही यहाँ जिस तरह से पंचकूरन तैयार करते हैं वैसे मैंने यहाँ राई, जीरा और मेथी को तैयार किया था और वही मैं यहाँ एक चम्मच यहाँ ऐड कर रही हूँ और उनके अच्छे से क्रैकल होते ही मैंने यहाँ मीठे नीम के पत्ते, हरी मिर्चें, अदरक और एक ऑनियन जो बारीक काट के रखा था उसे यहाँ मैंने ऐड कर दिया है और उसे अच्छे से मिला देने के बाद हम रूटीन के मसाले करेंगे, जिसमें मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और यहाँ हरी मिर्चें हमने डाली है उस वजह से मैंने यहाँ मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच लिया है और 1 चम्मच धनिया पाउडर मिलाया है और अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम यहाँ ऑनियन को थोड़ा सा सौते कर लेंगे और मसाला ना जले इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड किया है और यहाँ प्याज अच्छे से सौते कर लेने के बाद मैंने यहाँ जो एक टमाटर लिया था जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है उसे भी यहाँ हम ऐड कर देंगे और यहाँ टमाटर ऐड कर लेने के बाद स्वाद के हिसाब से मैंने यहाँ नमक मिलाया है और चुटकी भर शुगर मिलाई है और अच्छे से मिला देने के बाद में हम इसे थोड़ा सा पानी ऐड करके ढक के इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। टमाटर हमें सॉफ्ट कुक करना है। यहाँ ढक्कन में थोड़ा सा खुला रख के इसे मैं अच्छे से पका दूंगी। 5 मिनट हो चुकी है तो यहाँ देखिए टमाटर भी गल के अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो बस इसी स्टेज पर हम यहाँ मसूर की दाल जो भिगो के रखी थी उसे हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो यहाँ मसूर की दाल मैंने तकरीबन 1 कप ली है और मसूर की दाल ऐड कर लेने के बाद आपको आपके अंदाजे से पानी ऐड करना है। आपको कितनी जाड़ी दाल चाहिए उस हिसाब से आपको पानी ऐड करना है। तो बस यहाँ मैं तकरीबन 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ और अब हम चावल चढ़ा देंगे। तो चावल यहाँ मैंने 2.5 कप लिए हैं और मैं जीरा राइस बना रही हूँ। उसके लिए यहाँ मैंने तकरीबन 2 चम्मच घी लिया है और घी के गर्म होते ही 1 चम्मच मैंने यहाँ जीरा मिलाया है, साथ में तेज पत्ता, 1 दालचीनी और 1 इलायची ऐड की है और जीरा अच्छे से स्प्लैटर होते ही हम उसमें चावल ऐड कर देंगे। और चावल को ऐड करने के बाद यहाँ स्वाद के हिसाब से मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी और 2.5 कप चावल के सामने यहाँ मैं 3 कप पानी ले रही हूँ और बस हम कुकर की यहाँ 1 सीटी लगा देंगे
और यहाँ अब मैं मिर्ची के टिपोरे बनाने की आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो यहाँ मिर्ची के टिपोरे बनाने के लिए मैंने जो 250 ग्राम मिर्ची ली थी उसमें से 4-5 मिर्ची मैंने नहीं काटी, रख दी है। और यहाँ मैंने तकरीबन 1 चम्मच बेसन लिया है। और आपको सबसे पहले 1 चम्मच जो बेसन लिया है उसे अच्छे से आपको पैन में सेक लेना है। और यहाँ बेसन को सेकते हुए 5 मिनट हो चुकी है, तो आप यहाँ बेसन को देख सकते हैं, बेसन हल्का सुनहरा हो चुका है और अच्छे से भून चुका है। तो बस इस स्टेज पे हम इस बेसन को दूसरे बर्तन में ले लेंगे और बाद में उसी पैन में मैंने तकरीबन 2 चम्मच तेल मिलाया है। और यहाँ तेल के गर्म होते ही हम यहाँ राई, जीरा और मेथी, इन तीनों का जो मिक्सचर है वो तकरीबन 1.5 चम्मच हम यहाँ ऐड करेंगे। और जैसे ही क्रैकल हो जाता है उसके बाद यहाँ मैंने 1 चम्मच सौंफ ली है, उसे भी हम यहाँ ऐड कर देंगे। और उसके बाद पिंच ऑफ हींग ऐड करना है और जो हमने मिर्ची काट के रखी है उसे भी हम यहाँ ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिला देने के बाद हम रूटीन के मसाले करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और यहाँ धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाएगा, तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच। और स्वाद के हिसाब से यहाँ नमक ऐड करेंगे और मिर्चें, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो यहाँ आप रेड मिर्ची पाउडर हल्का सा मिला सकते हो। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर मिलाया है। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक हम पकाएंगे। तो यहाँ 5 से 7 मिनट हो चुकी है, तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और 80% मिर्ची भी कुक हो चुकी है। तो बस इसी स्टेज पे हमने जो सेक के रखा था बेसन उसे भी हम यहाँ ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिला देने के बाद हम इसे ढककर तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अब हम पकाएंगे। वैसे तो मिर्ची 80% कुक है और हमने जो बेसन लिया है वो भी भुना हुआ है, तो उन्हें कुक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बस 5 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट यहाँ हो चुकी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं टिपोरे बनके रेडी है। तो बस यहाँ मैं सूखा हुआ मीठे नीम के पत्ते हैं उसे मैं क्रश करके हाथों से डाल रही हूँ और साथ में थोड़ा सा धनिया। और बस यहाँ इस स्टेज पे गैस बंद कर लेंगे। और यहाँ मैंने 1/2 नींबू लिया है, बस उसे भी हम यहाँ ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिर्ची के टिपोरे बन करके तैयार है और बस मेरा खाना बन करके भी तैयार है। दाल भी हो चुकी है और चावल भी बन चुके हैं। तो आज हमारा सिंपल वाला लंच है और ये टिपोरे आप रोटी के साथ, पराठों के साथ, दाल चावल के साथ, खिचड़ी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। तो ये है हमारी आज की डिनर थाली। ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर गाइस आपको मेरे ब्लॉग्स, मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। गुड बाई।